ये किसने लिखा है? चलिए इट्स ओके. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. सो व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस? हु गेव दिस लॉ? ओके एंड व्हाट दैट सेज. सो यस्टरडे वी डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वाज गिवन बाय एंटोनी लेवेओसर इन 1774. Now this law, it was given by J. Proust. This law, it was given by J. Proust in 1799. Now what that states? इसकी definition से पहले हम एक example लेते हैं. I'll be giving you one example. See, you have water. ओके पानी है हमारे पास. व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर? सी वाटर है हमारे पास, लेक वाटर, ओशन वाटर है. ओके आपके घर में आरओस का वाटर आता है, टैप वाटर है. वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर. ठीक है, क्या ऐसा है कि जो सी वाटर है उसमें जो पानी आता है उसकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन है या उसका डिफरेंट फॉर्मूला है एज कम्पेयर टू द लेक वाटर और आरओ और टैप वाटर? नो, हमारे पास जो पानी आ रहा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द थिंग दैट दे कंटेन इम्प्योरिटीज एंड इम्प्योरिटीज दे आर एक्चुअली फिजिकल इन नेचर. वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क करती है. ओके बट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर इज सेम इन ऑल दीज वेयर द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज. ये नहीं है कि जो सी वाटर है वो आपको H2O2 दे रहा है, ओशन वाटर आपको H2O दे रहा है, आरओ वाटर आपको HO दे रहा है, टैप वाटर H2O3 दे रहा है. दिस इज नॉट द सब में जो पानी आ रहा है आपके पास दैट कंटेन्स द सेम फॉर्मूला ऑफ H2O. दिस इज द थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट. लॉ में आप यूज कर रहे हो एक टर्म डेफिनेट. Definite means that is constant, that is fixed, that is not changed at all. ठीक है, हमने हर बारी वही लेनी है. That is fixed actually. क्या fixed है? Proportions. क्या fixed है? Composition. Proportions means कितने proportions में. जैसे आप कोई चीज बनाते हो, whenever in the normally baking classes में क्या होता है, वो कहते हैं ना कि आपने जब proportions लेनी है, they should be fixed. Otherwise क्या होगा? केक यहाँ आपकी जो फ्रॉस्टिंग्स है वो कुछ नहीं बनेगा. बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, तो वो हमेशा जो है उनके लिए एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस जो है वो फिक्स रखते हैं. ठीक है, अगर आपने उसमें फ्लोर ऐड करना है तो फ्लोर इतनी क्वांटिटी के लिए ये फिक्स्ड है. अगर आप चेंज करोगे तो जो आपकी सब्सटेंस आएगी वो क्या हो सकती है? वो खराब हो सकती है. सो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड इन केस ऑफ केमिस्ट्री कि जो भी कॉम्पोनेंट्स, जो भी चीजें मिल के कोई सब्सटेंस बना रही हैं तो वो हमेशा एटम्स जो हैं उसके या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं दे शुड बी कांस्टेंट. ओके दे हैव टू बी कांस्टेंट इफ यू वांट दैट सब्सटेंस टू बी इन द प्योर फॉर्म, इफ यू वांट दैट सब्सटेंस टू बी इन द प्योर स्टेट. अदरवाइज अगर ये मैं देखूं यहाँ पर अगर आपने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा दिया है तो दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. चेंज हो गया ना. अब अगर मेरे दिमाग में आप बोलो H2O तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली वाटर स्ट्राइक करेगा क्योंकि वाटर की नेचर वो है, वाटर का फॉर्मूला वो है. अगर आप H2O2 बोलोगे देन आई विल बी सेइंग दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज नॉट वाटर. ओके तो देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कॉम्पोनेंट्स फिक्स रखने से वो चीज क्या कंपाउंड फॉर्म करती है और अगर आप चेंज कर देते हो तो वो कौन सा कंपाउंड में चेंज हो जाता है. ओके सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. नाउ यू कैन राइट डाउन अ प्योर केमिकल कंपाउंड. पहले लाइन में ही हम प्योर लिख रहे हैं, अ प्योर केमिकल कंपाउंड. अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ
same elements is always made of same elements is always made of same elements combined together in a fixed proportion by mass or by number ठीक है जी। तो आपने दो चीजें लिखी हैं, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास एंड फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय नंबर। अब मैं आपको वो बताती हूँ, नंबर इज सिंपल व्हेन वी आर डीलिंग विद 1, 2, 3, 4। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यहाँ पे रेशियो देखूं बाय नंबर, तो हाइड्रोजन का नंबर 2 है, ऑक्सीजन का नंबर 1 है, तो हमेशा मैं ये कहूंगी दैट इन द वॉटर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। ओके, इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1 बाय। एंड कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज बाय। अब मास में ये मैं आपको लर्न करवाऊंगी, आगे करेंगे हम, ठीक है? सो डोंट वरी कि अभी अगर आपको यहाँ पर नहीं लर्न, ओके, दैट वी विल बी लर्निंग फर्दर व्हेन वी विल डूइंग द चैप्टर। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पे 2 लगे हैं तो 1+1 2, 2 लगे हैं तो 2 हो जाएगा, 1 का 1 है तो 2 का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ही है, सो इट विल बी 6। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, दैट इज 2:1 रेशियो बाय नंबर एंड 1:8 रेशियो बाय मास, ठीक है जी? एंड दैट इज फिक्स्ड। अगर यहाँ पर कुछ और हो जाता है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2:8, देन आई विल बी सेइंग दैट दिस इज नॉट द रेशियो फॉर द वॉटर। ये किसी और की हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये वाटर की नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या सोर्सेस हैं? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और ओके, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, बर्निंग प्रोसेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन करूं तो डैट ऑल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है जहां से मुझे क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? एंड कैलकुलेट इट्स रेशियो बाय नंबर एंड मास। निकालिए बेटा इसकी रेशियो बाय नंबर एंड रेशियो बाय मास। कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको बता दिया, वन रेशियो टू बाय नंबर, थ्री इज टू टू, ट्वेल्व इज टू 32 क्या? नहीं, तो फिर ये कितनी बन जाती है? देखो मास की रेशियो कितनी है, 3:8, 4:3 = 12, 4:8 = 32 मास का।
कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन एक का 16 है, तो दो का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इज इट क्लियर? कार्बन एक का 12 है, ऑक्सीजन दो है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। देन यू हैव टू सिंप्लीफाई, दोनों फोर के टेबल पे जा रहे हैं, 4 3 12, 4 8 32, तो 3 2 8। ठीक है जी, चलिए राइट डाउन वन न्यूमेरिकल नाउ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, बाय मास 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, टू फॉर्म वाटर। व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद, टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, to completely react with 3 grams of hydrogen gas. हाँ जी, आंसर दो मुझे। With the 3 grams of hydrogen gas. हाँ जी, सॉल्व कर रहे हो? हाँ जी, समझ आया कि एक्सप्लेन करूं पहले ये बताओ, एक्सप्लेन कर दो, सबसे पहले सुनो, लिखना भी बताती हूँ। कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबाइन कर रहे हैं इन 1:8 रेशो में बाय मास। ठीक है, बाय मास का मतलब क्या है, इनके मासेस ले रहे हैं हम। ठीक है, तो डेट मीन्स हाइड्रोजन का मास अगर 1 है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या है 16। What weight of oxygen gas would be required to completely react with 3 grams of hydrogen gas? आपसे किसका मास पूछा है? Oxygen. Oxygen का नहीं पूछा? Oxygen का पूछा ना? These types of questions you have done in your maths also. हमेशा जिस चीज का मास हमने निकालना होता है, हम उसका मास generally यहाँ पर रखते हैं, ऐसे ही करते हो ना? जो चीज आपने फाइंड करनी होती है आप इस साइड लिखते हो। ठीक है, गिवन क्या है आपको? हाइड्रोजन गैस। अब अगर जो स्टेटमेंट गिवन है आपको, उस अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मास है ना, तो अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितने ग्राम्स के साथ रिएक्ट कर रही है? 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ। आपसे कितने में पूछा है? तो 8 by 1 into that will be 24। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? एट डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है,
हो गया क्लियर? मास्क पहनो, ठीक है जी। नेक्स्ट करें, गुड आफ्टरनून मैम। How are you all? Fine, good. I'm also very happy to see you in the school. So we all are very happy to see you in the school. So many of you, 32 are here, I think, and online only 3 are there. But it means the rest of they are nowhere. They are in the air. It is not good. Anyway, Mita, so after this periodic test 2, and after the finishing your term 1, you are here. Okay? Term 1 aapki over hogi. You appeared in PT 1, you appeared in PT 2. Term 1 is over. 50 marks burden is over. But in that 50 marks burden, many of you are carrying the burden of that, especially in science, maths. Do you? I know. I have introspected each and everyone's result. Do you agree with me? You need to do a lot of hard work in science and maths, right? So anyway, better, if you are determined, then everything, anything can be, any hard thing can be done. If you are not determined, if you are not willing to do so, then nothing can be done. Then the easiest thing can also not be done, okay? So it depends upon you only, how determined you are, right? So in otherwise, in that way, one way you are lucky one also, because during this COVID period, half of the term, whole of this annual system that is converted into the term system. Okay. So half term is over, half of the syllabus is over. No need not to worry about that. And then you have to go for that the rest of the syllabus. Okay. Right. And you appeared for the, but on the other hand, the mode of the exam is changed. That is MCQ. And simple MCQs won't be there. You have seen in the papers too. That's why that's the result. Okay. And you may find it more harder in the second term, right? Because that was the starting of this. And now you have to get ready on those lines and you may get more harder question paper in the second term, end of that. Okay. And also it will depend upon that, what is the situation if for the 10th class subjective and objective is there, then also you have to go for that subjective and objective. Okay, it will depend upon. But concepts, when concepts are clear, when you are ready for that, when you have prepared whole of the things very thoroughly, then doesn't matter whether this is in MCQ form or in the subjective form. Nahin karega na matter with. Do you agree with this? Okay, but anyhow. If it is in the MCQ form, jaise abhi hua, so there is one drawback too. There is no question of lenient marking. If the question is right, you get the full credit. If the question is wrong, then it is wrong, zero out of that. Okay. So in this way, you have to prepare yourself. You have to make your concept clear because MCQs are never so simple. Simple type of MCQs only test your knowledge, but your deep understanding is to be checked. Your competency is to be checked, how capable you are and how much you know about the subject, whether whatever you are knowing that, are you able to apply to the different situations? Application type, whatever you know that, are you able to analyze those things in different situations? Analytic power. So everything is to be judged through the MCQs, through the question paper. Okay. So be particular about that, beta. Never think so that MCQs hain, koi baat nahi. No doubt you can do guesswork, but guesswork is also with understanding. Okay. Blind guesswork karoge, then that will be wrong. Sometime you have to. That is also a skill. Guesswork karna with understanding, that is a skill. And you will learn that slowly, slowly, not all of a sudden you can learn that, okay? Because logically, no doubt, you have to logically think upon before reaching to some conclusion that this is the right answer for that, okay?
So plan for that. Half of the term is over. In the starting of that, I'm with you to remind you that how important your class is. On the basis of 9th class, you will get admission in the 11th to 9th and 10th pre-boards. Admission is there to the 11th class. These are the two bases, okay? So it's a start of your career class. So be particular, and nothing could be done in the end if you fail, maybe by 1 mark only, right? Phir kuch nahi ho payega. Wrong hai to wrong hai, usko right koi nahi kar payega. No one could, no one can, right? Follow it up. So plan according to that, and I hope that all you will daily you have to recall my words, okay, to yourself, and you have to plan, you have to make timetable, and you have to do accordingly, right? 24 hours no one can study, right? You have to make planning for that. So how much time you have to learn, how much time you have to do self-study, how much time for the homework, like that. So all these things are to be planned by you. So be a good planner. Okay? When the planning is done, then half of the work is done. Hai na ye saying? Right? So this is all. So wish you good luck. And I hope that you will act accordingly. Okay? Thank you. Thank you. Ma'am is very thoughtful about you all, because 9th, 10th, 11th and 12th, their results, they are very, very disappointing, right? Especially in math, science and English. Okay, so we have to improve this. Abhi aapke paas to chance hai. You are in the 9th standard, okay? So 10th mein jab aap tak jaoge, you have to improve your scores, okay? So let's start. CO2 का मास कैसे निकालना है? आपसे CO2 का मास पूछा था ना, CO2 का नहीं. अच्छा, आप CO2 की बात कर रहे हो. कार्बन डाइऑक्साइड में मास कैसे निकालना है? ये देखो, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको बताया है 16. दो ऑक्सीजन लगे हैं तो 16 + 16, ठीक है पनिका? ये क्लियर हुआ इतना? अब 4 का टेबल बोलो. 4 3s are 32. तो ये हो गया 3s to 8, ठीक है कि नहीं? न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे, बट ये लॉ का एक ही न्यूमेरिकल था, कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है? चलो, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं आपको एक चीज करवाने लगी हूँ इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एंड वी हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग थ्रू आउट आवर चैप्टर, ओके? ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ओके, लिसन हियर. यहां पर जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हो, ठीक है, इनके बेसिस पे हमने यहाँ पे इनके एटॉमिक मास स्पेसिफाई करने हैं. इनके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करने हैं? इनके एटॉमिक मास. ये जो 1 2 3 4 आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी, ये एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होते हैं, इनको यूज करके हमने एटॉमिक मास बनाना, ठीक है.
यू हैव टू लॉन्च फॉर द एक्सेप्शंस ऑफ 1770, मतलब जिसका एटॉमिक मास 1 है, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उनको हमने इस सीरीज में काउंट नहीं करना। जो भी हम अभी पढ़ेंगे उसको हमने उसमें इन तीनों को हमने काउंट नहीं करना, यानी कि 1 का नहीं काउंट करना है अभी, 7 का नहीं काउंट करना है और 17 आएगा वो भी काउंट। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मास फॉर द ऑड, एटॉमिक मास फॉर द ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन से हैं? 3, 5, 7 तो हमने काउंट नहीं करना, 9, 11, 13, ठीक है, वेरी गुड। उनके लिए एटॉमिक मास कैसे निकलेंगे? ये जो आपके एटॉमिक नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो 2 से और इसमें 1 करो। सिमिलरली फॉर इवन, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई देम, यू डोंट नीड टू ऐड देम, ठीक है। करूं स्टार्ट अब। हीलियम का 2 नंबर है, इवन है, 2 2s are. लिथियम का 3 है, 3 2s are 6 plus 1. 4 2s are 5 2s are 6 2s are 8 2s are. अब इसमें से जो मैंने आपको एक्सेप्शंस में छुड़वाए हैं, इसका 1 है तो वैसे इसका क्या बनना चाहिए था? 2, बट इसका 1 का 1 ही रहता है, 1 into 2 plus 1, हाँ 3 बनना चाहिए था बट 1 का 1 ही रहता है। नॉर्मली आप इतने ही लेते हो क्योंकि पॉइंट्स में आते हैं, 8 point something का, तो हम राउंड अप करके 8 ही ले रहे हैं, ठीक है। बाकी बचा 7। नाइट्रोजन का वैसे बनना कितना चाहिए था? 15 बनना चाहिए था, बट एक्चुअली दिस इज 14। बताया ना मैंने अभी, 1, 7 और 17 को हमने छोड़ देना, इनके अलग अलग है। उसके बाद 9 का लिखो सिमिलरली अपनी कॉपीज में। अब 7 2s are 14, ये वैसे ऑड है, 7 2s are 14 plus 1 होना चाहिए था, 15 बनना चाहिए था ना, बट एक्चुअली 14। लिखो आगे बस ऐसे, 9 का 19, 10 का 20, 11 का 23, 12 का 24, उसके बाद 13 का एल्यूमिनियम का 27, 14 का 28, 14 2s are 28, 14 2s are 28, 15, 31, 16, 32, 17 का छोड़ देंगे हम, 18 का 36, 19 का 39, 20 का 17 का लिखो अब, दैट इज 35.5। 17 एटॉमिक नंबर का जो मास है दैट इज 35.5। कौन है ये? क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना है? 35.5 grams. ओके, इज दिस क्लियर? ये एक्सेप्शन है बेटा, ये जो हमारी स्कीम थी उसमें नहीं आए तो हमने बाहर निकाल दिए, ठीक है। बाकी सारे स्कीम को फॉलो कर गए, ये नहीं किए तो हमने बाहर निकाल दिए। नॉर्मली आप उतना ही लोगे, ठीक है।